हेलो चिल्ड्रन, आज आप दीपाली श्रीवास्तव मैम के साथ करने जा रहे हैं डेक्कन पेंटिंग। और डेक्कन पेंटिंग का हम लोग पहले ही कर चुके हैं एक पेंटिंग, जो कि आपने अगर उसको वीडियो देखा हो तो आपको पता होएगा, नहीं तो आप ज़रूर देख लीजिएगा वो, जो कि है रागिनी बट हमसे का। और हम लोग डेक्कन पेंटिंग का हम लोग जो ओरिजिन एंड डेवलपमेंट तो हम लोगों ने नहीं किया था और फीचर्स कर लिए हैं, तो उसका भी वो दोनों एक ही वीडियो में कवर्ड है, आप देख लीजिएगा। अब जैसे कि हमेशा होता है डिस्कस करते हैं हम लोग सिलेबस, तो सिलेबस में ओरिजिन एंड डेवलपमेंट मेरे हिसाब से इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, तो हमने उसको कवर नहीं किया है। और मेन फीचर्स हमने कवर कर दिए हैं इसमें, मेन फीचर्स है रागिनी पट हमसिका का, हम लोग पहले ही वीडियो बना चुके हैं जो आप लोग जरूर देखना नहीं भूलिएगा। अब हम लोग करने वाले हैं हजरत निज़ामुद्दीन औलिया एंड आमिर खुसरो, ये वाला हम लोग पेंटिंग करने वाले हैं। अब देखिए उसमें क्या है। तो जैसे कि हमेशा आपको बताया है कि आप लोग जब भी कोई पेंटिंग के आपको डिस्क्रिप्शन के लिए आए तो पहले आप इसको लिखना मत भूलिएगा। तो आपने ये लिखा, नाम लिख दिया, आर्टिस्ट लिख दिया, स्कूल क्या है, हैदराबाद स्कूल जो कि डेक्कन के अंदर आता है, पीरियड 1750 से 1770 है, और मीडियम है वाटर कलर टेम्पेरा ऑन वाटर, जो कि ज़्यादातर पेंटिंग का यही है, इसलिए ज़्यादा याद करने की बहुत ज़्यादा कोई भी आपको मुश्किल नहीं होगी। अब है इसमें सब्जेक्ट मैटर इसमें क्या है। अब हज़रत निज़ामुद्दीन औलिया ये और आमिर खुसरो दोनों ही एक सेंट्स थे, और जो आमिर खुसरो हैं वो हज़रत निज़ामुद्दीन औलिया के शिष्य थे, और वो ये सूफ़ी सेंट्स कहे जाते थे। तो अब जो इस पेंटिंग में क्या है कि हज़रत निज़ामुद्दीन और जो आमिर खुसरो हैं दोनों बैठ के कोई रिलीजियस विषय पे बात कर रहे हैं, और जो हज़रत थे, हज़रत वो अपने फेमस सेंट थे इंडिया के, और उन्होंने लोगों को प्यार और भगवान से कैसे पीस और प्यार से पहुंच पा सकते हैं, उनको कैसे प्राप्त कर सकते हैं, ये उन्होंने सिखाया। और इनके ही जो शिष्य थे वो थे आमिर खुसरो, तो उन्होंने इनकी जो टीचिंग्स थी वो आमिर खुसरो ने आगे कंटिन्यू करी थी, और उन्होंने लोगों को इनक्रेज करा कि वो कम्युनिटी सर्विस करें, मतलब लोगों की मदद करें, जाके काइंडनेस दिखाएं, और सेक्युलर नेचर, सेक्युलर मतलब सेक्युलर का क्या मतलब है, जब हम सारे धर्म को बराबर समझते हैं तो हम उसको सेक्युलर बोलते हैं, जो कि इंडिया है। तो इन्होंने ये बोला कि आपको सेक्युलरिज्म आपको फॉलो करना चाहिए, अगर आप सब आप भगवान का आप अगर आशीर्वाद चाहते हैं तो आपको ये करना पड़ेगा। तो ये है सब्जेक्ट मैटर इसमें। अब इसमें आगे तो अब इसमें देखते हैं, ये पेंटिंग ये है, इसमें ये हैं हज़रत निज़ामुद्दीन औलिया बैठे हुए हैं, और ये आप देख सकते हैं कि इनके जो अराउंड एक हेलो इफेक्ट क्रिएट करा गया है दिखाने के लिए कि एक स्पिरिचुअल सेंट थे, और जब जब भी कोई डिवाइन फिगर को दिखाने की कोशिश करी जाती थी तो उसमें एक हेलो इफेक्ट क्रिएट कर दिया जाता था। और ये बूढ़े दिखाए गए हैं, और यहाँ पर ये जो हैं जो आमिर खुसरो हैं, ये जो इनके शागिर्द थे, ये यंग दिखाए गए हैं। तो ये दोनों ही सूफ़ी सेंट्स थे, और सूफ़ी सेंट्स जनरली जो उन्होंने तरीका अपनाया था वो ये था कि लोगों की मदद करो और लोगों के साथ मिलजुल के, उन्होंने गाने के थ्रू और म्यूज़िक के थ्रू उन्होंने लोगों के मन में पीस लाने की कोशिश करी थी। और ये जो सूफ़ी सेंट्स थे वो बहुत ही सेक्युलर इन नेचर हुआ करते थे, तो ये दोनों वही दिखा रहे हैं कि ये लोग कोई रिलीजियस डिस्कशन में बात कर रहे हैं। और पीछे देखो तो बहुत सारे पौधे दिख रहे हैं, जो कि फूल दिख रहे हैं यहाँ पे, यहाँ पे कोई किताब रखी हुई है, और ये येलो रंग का नीचे बेस है, और तो ऐसे इसमें ये पिक्चर में बना हुआ है। अब इसमें हम लोगों ने इसका सब्जेक्ट मैटर तो कर लिया, हम लोग आते हैं इसके डिस्क्रिप्शन में। अब द पेंटिंग कैन बी डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स, पेंटिंग को हम दो भाग में डिवाइड कर सकते हैं। एक है पहला कि आगे वाला भाग, तो जो आगे वाला भाग है उसमें हज़रत निज़ामुद्दीन एंड आमिर खुसरो ये दोनों गार्डन में बैठे हुए हैं, और ये दोनों एक दूसरे के साथ डिस्कशन कर रहे हैं, जो कि आपको इस पेंटिंग दिखाई दे सकता है। अब दूसरा क्या है, और द गोल्डन येलो एंड पिंक कोर्टयार्ड एंड फ्लावर बेड सराउंड बोथ फोरग्राउंड एंड बैकग्राउंड, तो जो है कि जो कोर्टयार्ड है जो बाहर जो खुली जगह होती है उसको कोर्टयार्ड बोलते हैं, वो गोल्डन येलो
कलर का है और थोड़ा सा उसमें पिंक शेड भी होएगा, और वो यहाँ किनारे पे जो लाइन से फूल के पौधे लगे हुए हैं जो कि दिख रहे हैं। और आमिर इज़ प्लेइंग एन इंस्ट्रूमेंट एंड इज़ अ म्यूज़िकल एक्सपर्ट, तो दिखाई दे रहा है कि इनके हाथ में एक म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट है और ये म्यूज़िकल एक्सपर्ट भी माने जाते होंगे। ही इज़ वेयरिंग ब्राउन अंगरखा टर्बन एंड रेड वेस्ट, तो ये क्या पहने हुए हैं, अंगरखा पहने हुए हैं, टर्बन पहने हुए हैं और रेड कलर का ये वेस्ट में कुछ बांधे हुए हैं। और निजामुद्दीन फेशियल ही इज एंड ब्लैक बियर्ड सजेस्ट दैट ही इज़ यंग, और इनका अगर आप देखेंगे तो इनके काले रंग की दाढ़ी है जिससे लगता है कि वो यंग हुआ होते होंगे। निजामुद्दीन फेशियल एक्सप्रेशन पॉस्चर वाइट बियर्ड पीसफुल लुक्स क्लियरली शो द स्पिरिचुअल विजडम, तो जो निजामुद्दीन है उनका जो तरीका है बैठने का, उनका जो दाढ़ी का रंग सफ़ेद हो गया है, उनके जो फेस में जो एक्सप्रेशन है वो सब कुल मिला जुला के ये दिखा रहा है कि इनमें बहुत ही स्पिरिचुअल सेंस है, मतलब ये बहुत ज़्यादा भगवान से ये कनेक्टेड हैं। येलो कलर सनी हेलो बिहाइंड हिज हेड प्रेजेंट हिम एज ए स्पिरिचुअल टीचर, तो एक हेलो अफेक्ट करा गया है जो चक्र बोलते हैं, ये पीले रंग का बनाया गया है दिखाने के लिए कि ये एक स्पिरिचुअल टीचर हैं। अ सिंगल रेड कलर्ड फ्रूट एंड फ्लावर्स आर सीन, तो जो पीछे है वो सिंगल सिंगल एक 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 ये जो फ्रूट हैं या फ्लावर हैं जो भी हैं ये पीछे बने हुए हैं। और लीव्स इन द बिग ट्री विद ब्राउन ट्रंक आर अ मिक्स ऑफ ग्रीन एंड पिंक लीव्स एंड ऑरेंज एंड येलो फ्लावर्स, तो इसमें जो है ये वाली जो पेंटिंग इसमें जो हम अरेंज कर पाए हैं ये पूरी नहीं है, तो इसमें जो है इसमें जो ट्री भी है और जो इस ट्री में जो एक ट्रंक है जो ट्रंक भूरे रंग की है और उसमें जो लीव्स हैं वो ग्रीन एंड पिंक कलर की इसमें लीव्स हैं और जो फ्लावर्स हैं वो ऑरेंज एंड येलो कलर के इसमें फ्लावर्स हैं। और इसमें आगे की जहाँ पे बैठे हुए हैं वहाँ पे एक सफ़ेद कलर का एक लैम्प भी यहाँ पे रखा हुआ है और वाइट एंड ब्लू स्काई इन द बैकग्राउंड, बैकग्राउंड में आप ये देख रहे हैं पूरी की पूरी जगह यहाँ पर स्काई भी दिखाई दे रहा है। और द पेंटिंग आर इन प्रोफाइल, प्रोफाइल मतलब एक साइड दिखाई दे रहा है और हज़रत निज़ामुद्दीन का 3/4 साइड कह सकते हैं देख सकते हैं। एंड हज़रत हैज़ ए रेडिश पिंक बुक इन हिज हैंड, और इनके हाथ में एक किताब भी है जो रेडिश पिंक कलर की इनके हाथ में एक किताब इन्होंने रखी हुई है। और फिर अब आते हैं हम लोग 1 मार्क क्वेश्चन में, तो हज़रत निज़ामुद्दीन औलिया के पेंटर कौन है, तो ये पता नहीं कौन पेंटर है इसलिए अननोन आप लिखेंगे। और ये कौन से स्कूल का है, तो ये हैदराबाद स्कूल है और हैदराबाद स्कूल किसके अंदर आता है, डेक्कन स्कूल ऑफ पेंटिंग के अंडर में ये आता है। अब ये पेंटिंग कौन से समय पर बनी थी, तो 70 से 50 से लेकर 70 से 70 तक ये बनी थी। अब इसका मीडियम क्या है, हमेशा की तरह वाटर कलर टेम्पेरा ऑन पेपर है। और ये हज़रत निज़ामुद्दीन औलिया थे कौन, तो ये एक फेमस सेंट थे जिन्होंने लव एंड पीस को प्रीच करा था। तो इस तरीके से ये आपकी जो पेंटिंग है इसका डिस्क्रिप्शन ख़त्म होता है। ये देखिए हमने आपके लिए एक दूसरी पेंटिंग अरेंज करी है, तो इसमें जो आपको जो चित्र है ये आपको बहुत क्लियरली समझ में आ रहा है, इसमें हज़रत निज़ामुद्दीन का चेहरा भी अच्छे से आपको जो स्पिरिचुअल सेंस बोल रहे थे वो भी आपको इसमें दिखाई दे रहा होगा। ये दिया रखा हुआ है, हाथ में किताब है और ये पेड़ है, पेड़ में जो लीव्स हैं वो हरे रंग की और थोड़ी थोड़ी गुलाबी रंग की लीव्स हैं और जो पेड़ में फूल लगे हुए हैं या फल लगे हुए हैं जो भी हैं ये पीले पीले रंग के हैं। और जो कोर्टयार्ड है जहाँ ये बैठे हैं उसके आगे भी लाइन से फूल लगे हुए हैं और उसके पीछे भी लाइन से फूल लगे हुए हैं, तो अब आपको समझने में ज़्यादा आसानी हो गई होगी। तो इस पेंटिंग को आप जब भी आप एग्ज़ाम में जाएंगे तो इस पेंटिंग को अपने मन में रख के जाइएगा, तो ये आपको लिखने में आसानी हो जाएगी। तो अब इस तरह से ये ख़त्म होता है हज़रत निज़ामुद्दीन वाला। अब आप आपसे यही रिक्वेस्ट है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स को इसको रिकमेंड करिए, सब्सक्राइब करिए, कमेंट करिए, लाइक करिए, जिससे कि इतने सारे हमने वीडियोस डाले हैं तो हमको भी लगे कि हाँ जो एफर्ट करा जा रहा है वो आपको यूज़फुल हो रहा है। कुछ आपकी ज़रूरत है किसी चीज़ में, वैसे तो हमने हमारा जो चैनल है उसमें आपको हिस्ट्री के भी, सोशोलॉजी के भी और इंग्लिश के भी आपको काफ़ी सारे आपको वीडियोज़
आपको मिल जाएंगे, पॉलिटिकल साइंस के भी मिलेंगे। इसके साथ साथ अभी हम जैसे ही ये ख़त्म होता है तो हम सोशोलॉजी और पॉलिटिकल साइंस स्टार्ट करेंगे, और सोशोलॉजी में हम चैप्टर आपको समझाएंगे, और जो पॉलिटिकल साइंस है उसमें जो कार्टून का है वो है, वो एक्सप्लेनेशन आपको बताएंगे। तो आप इसको देखिए और अपने फ्रेंड्स को रिकमेंड करिए, लाइक करिए, कमेंट करिए। थैंक यू सो मच, बेस्ट ऑफ लक।